नमस्कार, मैं खुशी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर आज के दिन रचा था इतिहास। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च कर इतिहास रचने के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया था। अभी तक किसी भी देश ने इतने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण नहीं किया है। इससे पहले रूस ने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। PSLV 37 ने उड़ान के करीब 28 मिनट बाद ही सभी 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया था। इसमें 103 सहयात्री उपग्रहों के साथ पृथ्वी के अध्ययन के लिए कार्टोसेट 2 सीरीज का उपग्रह शामिल था। सहयात्री उपग्रहों में 101 नैनो सैटेलाइट थे। इसमें इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UAE का एक एक और अमेरिका के 96 सैटेलाइट जबकि भारत के 2 उपग्रह शामिल थे। प्रख्यात खगोल शास्त्री गैलीलियो का आज के दिन हुआ था जन्म। महान आविष्कारक गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। गैलीलियो के प्रतिपादित सिद्धांतों से धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी। गैलीलियो के पिता विंसोंजो गैलीली जाने माने संगीतज्ञ थे और ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही ल्यूट आगे चलकर गिटार और बेंजो के रूप में विकसित हुआ। पिता द्वारा संगीत के लिए तनी हुई डोरी या तार से निकलने वाली ध्वनियों के अंतर संबंधों के परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन गैलीलियो ने किया था। प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का आज के दिन हुआ था निधन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गाँव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता के कारण है। उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में ही हो गया था। महान शायर मिर्जा गालिब का आज के दिन हुआ था निधन। उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर मिर्जा असद उल्ला बेग खां उर्फ गालिब का निधन 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। उनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करने का श्रेय भी गालिब को दिया जाता है। गालिब के लिखे पत्रों को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद्दौला का खिताब मिला था। गालिब और असद नाम से लिखने वाले मिर्जा गालिब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 15 फरवरी दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी, खर्चे अधिक होंगे, स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व सलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा और औरों के आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों के अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षक का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मैरून गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवार जनों से संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी सलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से शाम 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IIMT मीडिया।